लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. ये मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर वन यानी कि चैप्टर ऑफ रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है एंड वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 8. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स इज ए नॉन एम्प्टी सेट. एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है. पी एक्स आप सभी जानते हैं पी एक्स इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स. पी एक्स क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स. यानी कि हम ये कह सकते हैं पी एक्स क्या है? पावर सेट ऑफ एक्स. क्या होता है पावर सेट? किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का दोबारा से सेट. सपोज ए हमारे पास एक सेट है या हम एक्स को ही अज्यूम कर लेते हैं. एक्स हमारे पास एक सेट है और सपोज इसमें एलिमेंट्स है 1, 2. हम एक छोटा ही सेट लेते हैं एग्जाम्पल के लिए. एक्स में 2 एलिमेंट हैं. देन एक्स के पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे? एक होगा 5, एम्प्टी सेट, बिकॉज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स. सेकेंड, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, इसलिए एक्स का एक सबसेट होगा. थर्ड, सिंगलटन 1 इज ए सबसेट ऑफ एक्स. सिंगलटन 2 इज ए सबसेट ऑफ एक्स. इस सेट के 4 सबसेट होंगे टोटल, राइट? अगेन हम इनका एक सेट बना दें, दैट सेट विल बी पावर सेट. सो दिस इज पावर सेट ऑफ एक्स, राइट? तो इसी टाइप का एक सेट है हमारे पास पी एक्स. एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं वो सभी पी एक्स में हैं, करेक्ट? देखिए जरा आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को. ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स. ए बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? पी एक्स में बिलोंग कर रहे हैं. एंड यानी कि ए बी अगर पी एक्स में बिलोंग कर रहे हैं सो ए क्या है? सबसेट ऑफ एक्स. बी क्या है? सबसेट ऑफ एक्स. ए और बी दोनों पी एक्स में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मीनिंग है ए एंड बी बोथ आर सबसेट्स ऑफ एक्स. आर एक रिलेशन है, राइट? एंड ए सेट इज रिलेटेड टू बी. ए सेट बी से रिलेट होगा बाय दिस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी. अगर ए बी का सबसेट है देन शो करना है हमें आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. सबसे पहले हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे. एज वी नो हर सेट अपने आप का सबसेट होता है. सो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू पी एक्स, ए बिलोंगिंग टू पी एक्स, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू पी एक्स यानी कि पी एक्स में जो भी पॉसिबल सेट्स हैं, ए इज सबसेट ऑफ ए. ए क्या होगा? अपने खुद का सबसेट होगा. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. दिस इंप्लाइज रिलेशन हमारी क्या कहती है? रिलेशन ये कह रहा है कि ए एंड बी आर रिलेटेड इफ एंड ओनली इफ ए सेट इज सबसेट ऑफ बी, राइट? अब ये तो हमने शो कर दिया कि ए इज सबसेट ऑफ ए. दिस इंप्लाइज ए मस्ट रिलेट विद ए. ए शुड बी आर रिलेटेड विद ए, करेक्ट? और अगर ऐसा है तो रिलेशन को क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्सिव. दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव. अगर हर सेट अपने आप से रिलेट होगा तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा, राइट? तो यहां पर एवरी सेट इज इट्स सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सो ए मस्ट बी आर रिलेटेड विद ए. देयरफॉर रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव. सेकेंड, लेट अस अज्यूम दैट, हम अज्यूम कर लेते हैं ए इज आर रिलेटेड विद बी. हमने अज्यूम किया है ए बी से आर रिलेटेड है, यानी कि ए एंड बी दोनों सेट रिलेटेड सेट हैं. दिस इंप्लाइज इस रिलेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक सेट दूसरे सेट से तभी रिलेट होता है व्हेन इट इज सबसेट ऑफ सेकेंड सेट. अगर ए बी से रिलेटेड है तो डेफिनेटली ए विल बी सबसेट ऑफ बी, राइट? देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी विल बी सबसेट ऑफ ए. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बी सेट ए का सबसेट होगा. क्यों नहीं होगा? सपोज ए हमारा एक सेट है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट है ए, राइट? और बी को
हम एक सेट ले लेते हैं जिसमें दो एलिमेंट है 1 2, देन ऑब्वियसली ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। बट अच्छा, अगर ए बी का सबसेट है तो डेफिनेटली ए विल बी आर रिलेटेड विद बी इस क्वेश्चन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सेकंड, बट बी क्या नहीं है, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट नहीं है क्योंकि बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है। दिस इम्प्लाइज बी इज नॉट आर रिलेटेड विद, बी इज नॉट आर रिलेटेड विद ए। सो यहाँ पर अगर ए बी का सबसेट है देन ये जरूरी नहीं है बी विल बी सबसेट ऑफ ए। दिस इम्प्लाइज बी इज नॉट आर रिलेटेड रिलेटेड विद ए, राइट। आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल शो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि जस्टिफाई योर आंसर, राइट। ए सेट हमें गिवन है, ए सेट हमारे पास है बी है, ए सबसेट है, ए बी का सबसेट है, इसलिए ए इज आर रिलेटेड विद बी। बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, सो बी इज नॉट रिलेटेड आर रिलेटेड विद, बी इज नॉट आर रिलेटेड विद ए, राइट। ठीक है, थर्ड, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन क्या नहीं होगा, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। थ्री सेट्स हैं ए बी एंड सी जो कहाँ बिलोंग करते हैं, पी एक्स में, राइट। इसलिए तीनों सेट क्या होंगे, एक्स के सबसेट होंगे। और कैसे सेट हैं ये, सच दैट ए इज आर रिलेटेड विद बी एंड बी इज आर रिलेटेड विद सी, ठीक है। दिस इंप्लाइज इफ ए इज आर रिलेटेड विद बी, ए बी से रिलेटेड है देन डेफिनेटली ए विल बी सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होगा क्योंकि ए बी से तभी रिलेट हो सकता है व्हेन इट इज सबसेट ऑफ बी। सेकंड, बी इज आर रिलेटेड विद सी, दिस इंप्लाइज बी विल बी सबसेट ऑफ, अगर बी सी से आर रिलेटेड है तो बी क्या होगा, बी विल बी सबसेट ऑफ सी। हम देख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, दिस इंप्लाइज डेफिनेटली ए विल बी सबसेट ऑफ सी, ए सी का सबसेट होगा। एंड अगर ए बी का सबसेट है देन ए विल बी आर रिलेटेड विद सी, राइट। और अगर ऐसा है तो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव, इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा सेट होगा, कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव होगा, राइट। सो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था, ट्रांजिटिव है। बट इक्विवेलेंस होने के लिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। सो दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस, इम्प्लाइज आर इज नॉट हमारा रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है।